हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के एस अकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम पायल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 3, जिसमें हम ग्लास प्रिज्म और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। एक्चुअली इस पार्ट में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का कुछ इस तरीके से स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने चैप्टर 10 में स्टडी किया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जिसमें हमने लेंसेज यूज इन अ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साथ में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है चैप्टर 11 के, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ईच एंड एवरी पार्ट का जो ह्यूमन आई है किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, डिफेक्ट कौन से है, अगर डिफेक्ट है पर्टिकुलर तो उसमें कौन से लेंसेस यूज होंगे डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, तो इस तरीके की हमने स्टडी की थी। अब इस पार्ट में हम लोग इन दोनों का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास प्रिज्म में व्हेन द इंसिडेंट रे या फिर सन से जो रे इंसिडेंट होती है पर्टिकुलर प्रिज्म में, तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और वो हमको किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन, मीन्स हमारे चैप्टर 10 का कॉम्बिनेशन कि लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा और हमको वो किस तरीके से दिखेगा, जो कि हमारे आई से हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे जो कलरफुल इमेजेस फॉर्म होगी या फिर कलरफुल रेज उसमें से फॉर्म होगी उसका हम लोग स्टडी करेंगे। अभी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन में देखा था कि जब डेंसर मीडियम में से लाइट ट्रैवल करती है तो इट कैन रिफ्रैक्टेड और सम पार्ट ऑफ जो लाइट है वो डेविएट होती है अपने ओरिजिनल पाथ से। सो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट है, उसमें भी कुछ इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो उसमें जो रे आएगी पर्टिकुलर सन से आने वाली जो रे है उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, तो इस कंप्लीट पार्ट में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द ग्लास प्रिज्म। सो लेट अस कंसिडर द ग्लास प्रिज्म, ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म। हमने रिफ्रैक्शन में देखा था कि हमने रेक्टेंगुलर स्लैब लिया था, देन उस पर सिंगल रे का इंसिडेंट किया था और उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसकी स्टडी की थी। एंड हम यहाँ पे जो रे लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे, इज अ बंच ऑफ रे, राइट? ये लाइट का बंच ऑफ रे होगा, यहाँ पे बीम्स जो होंगी वो बंच ऑफ बीम होंगी, पैरेलल लाइट होगी जो इंसिडेंट होगी। जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है चैप्टर 10 के पार्ट्स में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। सो इसके साथ में उसका लिंक जो है या फिर जो एंड ऑफ द वीडियो रहेगा वो साथ में ही वीडियो प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ताकि आपको इजी हो जाए जो टर्म्स अगर आपकी मिस हो गई होगी तो वो स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट लाइट। सो ये बंच ऑफ रे है, देन ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद में इनसाइड द प्रिज्म ये कुछ कलर बैंड्स फॉर्म करेगी एंड देन आउट फ्रॉम द प्रिज्म, जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो इसका जो बैंड होगा वो थोड़ा सा और ज्यादा फैला हुआ दिखेगा। सो ये एग्जैक्टली होता कैसे है? सो द बैंड ऑफ द 7 कलर फॉर्म्ड ऑन अ वन सिंगल व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसे हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, राइट? देन The 7 color of spectrum are, ये कौन से 7 colors होंगे? Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet color. And it is denoted by the small word that is Vibgor. And Vibgor जो होता है stand for the, V stand for the violet color, I stand for the indigo, right? Then B stand for the blue color and G stand for the green color, Y stand for the yellow. Similarly O, orange and red for the R, R जो है वो रेड का होगा। सो इस तरीके से जो है ग्लास प्रिज्म में ये स्पेक्ट्रम ऑफ रे जो है वो फॉर्म होगी, इसको हम कलर्स ऑफ बैंड्स जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्म होगा व्हेन, और इसी को हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सो द स्प्लिटिंग अप व्हाइट लाइट इन टू द 7 कलर, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग अप, ये क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। एक सिंगल व्हाइट कलर की जो लाइट इंसिडेंट हो रही है
वो स्प्लिट हो रही है सेवन कलर में. देन पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. हम इसी को क्या कहेंगे? डिस्पर्जन. डिस्पर्जन ही मीन्स होता है फैलना, कि एक सिंगल लाइट जो है जब वो फैल रही है राइट, तो वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है सेवन कलर में. डेट इज कॉल्ड एज अ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन टू द सेवन कलर ऑन अ पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म, डेट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. राइट, देन डेट इज व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवन कलर. इसका मतलब ही क्या होता है कि जो सेवन कलर होते हैं उसका मिक्सचर जो होता है वो व्हाइट कलर की, जो हमारी लाइट होती है वो सेवन कलर के मिक्सचर की होती है. द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ व्हाइट ट्रेवल फ्रॉम द डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म. एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने रिफ्रैक्शन में स्टडी किया था कि व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसके एंगल का फॉर्मेशन जो होता है, एंगल का कैलकुलेशन वो भी किया था हमने. राइट, तो उसके साथ तो मैं इस वीडियो के साथ में आपको उस वीडियो के भी जितने चैप्टर 10 के पार्ट्स के जो वीडियोज है यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी. सो आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. एग्जैक्टली ये है कि जब भी हम लोग लाइट का ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, सो दैट इज सपोज टू बी अ वन मीडियम. राइट, ग्लास प्रिज्म इज अ सेकेंड मीडियम एंड अगेन इट विल थर्ड मीडियम फॉर द लाइट. तो जब लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएंगे तो उसके स्पीड में जो होगा क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. किसकी वजह से? डेंसिटी. ये सारे पॉइंट्स जो है पार्ट वन में मैंने सारी कंसिडर किए हुए हैं जब हम लोग रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं. तो चैप्टर 10 के जितने भी पार्ट्स हैं आप उसको देख लीजिएगा एक बार बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट. सो डिस्पर्जन जब अकर्स हो रहा है तब ट्रेवल कर रही है लाइट राइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और उसमें से क्या हो रहा है, स्पीड का डिफरेंस अकर हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, इसमें डिस्पर्जन हो रहा है. देन व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सेवन कलर फॉल्स ऑन द ग्लास प्रिज्म ईच कलर इज रिफ्रैक्टेड और डेविएटेड बाय अ डिफरेंट एंगल. क्या हो रहा है, डिफरेंट एंगल से हर एक कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और डेविएट हो रहा है विद द रिजल्ट डेट सेवन कलर आर स्प्रेड आउट. उसी की वजह से क्या हो रहा है, सेवन कलर हमको स्प्रेड आउट दिख रहे हैं, स्प्लिटिंग दिख रहा है, डिस्पर्जन दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी कलर जो है, सब सेवन कलर तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लाइट है राइट. वो जो हमारी व्हाइट लाइट है वो सेवन कलर का कॉम्बिनेशन है. जब वो वन मीडियम से अनादर मीडियम में गया, ट्रेवल किया ग्लास प्रिज्म में, देन क्या हुआ कि ईच एंड एवरी कलर क्या हुआ, हर एक एंगल से डेविएट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, हर एक का एंगल क्या हुआ, डिफरेंट हुआ राइट. यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक का जो डिफ्रेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डेविएशन है, वो अलग अलग है. देन जब ये अगेन रिफ्लेक्ट हुआ थर्ड मीडियम में, देन इसका हर एक का एंगल जो है वो डिफरेंट हो गया. इसीलिए जो डिस्पर्जन है यहाँ पे अकर्स हुआ. द रेड कलर हैज अ मैक्सिमम स्पीड. जो रेड कलर आएगा उसका सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा, एंड जो लास्ट है हमारा वॉयलेट कलर उसकी जो स्पीड होंगी वो सबसे लेस रहेगी, और उसका बैंड भी कम रहेगा, जो थिकनेस रहेगी वो कम रहेगी, और जो रेड कलर रहेगा उसका थिकनेस हमको सबसे ज्यादा दिखेगा. सो ये जो हुआ है, हम लोगों ने देखा कि ग्लास प्रिज्म में किस तरीके से लाइट का इंसर्ट होगा, एंड देन रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, डिस्पर्जन किस तरीके से होगा, और सेवन कलर उसमें कैसे फॉर्म होंगे. सो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग हमेशा देखते हैं. सो देखते हैं कि वो कौन सा है. हम जो अभी एग्जाम्पल देखने वाले थे उसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट करूंगी. जो अभी हमने ग्लास प्रिज्म की स्टडी किया था हम उसी को थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करेंगे कि भाई जब उसमें से एक सिंगल लाइट व्हाइट लाइट जब हम लोगों ने उसमें इंसिडेंट किया, हमको सेवन कलर ऑफ लाइट्स स्प्लिटिंग मिली, डिस्पर्जन मिला, पर उसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम लोग अगर अनादर प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या और उसमें से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मिलेगी और अनादर कलर्स फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर उससे ज्यादा डिस्पर्जन मिलेगा. तो हम लोग वहां पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा. सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर टू गिव अ व्हाइट लाइट. अब ये एग्जैक्टली हम लोग यहाँ बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं. सो जो हमने यहाँ पे देखा था कि एक सिंगल व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म इट विल गिव द सेवन कलर विबगोर राइट. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म यहाँ पे रखेंगे एंड देन सेवन कलर
एग्जैक्टली वैसे के वैसे उस पर इंसिडेंट करेंगे और हमको उसमें से क्या मिल रहा है रिजल्ट वो देखेंगे. सो इट विल गिव्स द व्हाइट लाइट. जब भी इसमें से हम लोग व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे हमको क्या मिला, विबगो सेवन कलर, राइट. और ये एग्जैक्टली सेवन कलर हमने इन्वर्टेड इन्वर्टेड प्रिज्म में क्या किया, इंसिडेंट किया, एंड देन इट विल कंबाइन टूगेदर. ये रिकम्बाइन हो गया, जो डिस्पर्जन हुआ था वो अगेन रिकम्बाइन हो गया, एंड देन हमको क्या मिला, व्हाइट लाइट मिला. दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर. सो वी हैव जस्ट सीन दैट व्हाइट लाइट कैन बी डिस्पर्स इन टू इट सेवन कंस्टिट्यूंट कलर. न्यूटन शोड दैट दिस रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज द सेवन कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव अ बैक व्हाइट लाइट, राइट. सो अब हम लोग देख लेते हैं मैं कौन से ब्यूटिफुल एग्जाम्पल की बात कर रही थी. One of the most beautiful example of spectrum formed by the dispersion of sunlight is provided by the nature in the form of rainbow. जो बहुत ही beautiful example है जिसकी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो है rainbow. और सावन चल रहा है और हम rainbow की बात नहीं करेंगे और उसको consider नहीं करेंगे तो ये हमारे chapter के description के लिए या फिर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा unfair होगा. तो सावन है तो बरसात होनी चाहिए, तो ये हो गई बादल और ये हो गई हमारे बरसात. अब जब बरसात होती है और साथ में ही सन रेज जो है वो इंसिडेंट करते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल पे, जो हमारा रेनफॉल होता है, रेन पानी बरसात होती है और उसके वाटर मॉलिक्यूल पे जैसे ही हमारी सन रेज इंसिडेंट होती है तब एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, डेट इज कॉल्ड एज अ रेनबो. एक रेनबो फॉर्मेशन होता है सेवन कलर का, जिसे देखने के लिए हर कोई अपने घर से बाहर होता है. तो एग्जैक्टली ये क्या और कैसे होता है, जो हमने ग्लास प्रिज्म में देखा था एग्जैक्टली वही फॉर्मेशन यहाँ पे होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर से जो सनलाइट आई है वो व्हाइट फॉर्म में आई है, राइट. पर वाटर मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर है, एक अनादर मीडियम है, डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर, और उसमें से जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या फॉर्मेशन में दे रही है हमको, रेनबो फॉर्मेशन में दे रही है. सो द रेनबो इज एन एनरिच ऑफ सेवन कलर विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्जन ऑफ सन लाइट बाय द रेन ड्रॉप्स. किसकी वजह से, रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, राइट. अ रेनबो इज प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप्स और अ वॉटर ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर. ईच रेन ड्रॉप्स एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इन टू द स्पेक्ट्रम. इट मीन्स डैट कि जो ईच एंड एवरी रेनबोज जो है वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, टाइनी ग्लास प्रिज्म के तरह वो एक्ट करेंगे, और इसीलिए ही हमको जो रेनबो है वो टूटा फूटा नहीं दिखता, एक सर्कुलर फॉर्मेशन में हमको रेनबो फॉर्मेशन दिखता है हमारे एटमॉस्फेयर में. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल था और एक अप्लीकेशन था जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं एक ग्लास प्रिज्म के साथ में, वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, जो पर्टिकुलर कब दिखाई देता है हमको, सावन में, रेनी सीजन में हमको दिखाई देता है. जो रेनबो फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द वॉटर ड्रॉप्स, ठीक है, जो रेनफॉल हो रहा है रेनी सीजन में, तो वाटर ड्रॉप्स की वजह से जो ईच एंड एवरी वाटर ड्रॉप्स है ग्लास प्रिज्म जैसा एक्ट कर रहा है. तो एग्जैक्टली वाटर ड्रॉप के अंदर में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है वो हम अभी देख लेते हैं. सो वाटर, एक सिंगल वाटर ड्रॉप का हम कंसिडरेशन करेंगे, उसमें सिंगल व्हाइट लाइट का इंसिडेंट करेंगे, देन इसमें जो है रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा. पहले तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ वाटर ड्रॉप के अंदर में, देन सेकेंड रिफ्रैक्शन इनसाइड द वाटर ड्रॉप. वाटर ड्रॉप के अंदर ही सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ. आप यहाँ पे अलग से देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, सारी लाइट जो है वो डिस्पर्जन हुआ, देन डिस्पर्जन अगेन कुछ ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर में आया है, एंड देन ये आउट हुआ, वाटर ड्रॉप से बाहर निकला. तो ये हमको सेवन कलर का एकदम सेपरेट फॉर्म डिस्पर्जन मिला. एंड देन व्हाट एग्जैक्टली द एंगल बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंसिडेंट रे. सो कंप्लीट एंगल जो फॉर्मेशन होगा 42 डिग्री सेल्सियस का होगा, राइट. तो द रेन ड्रॉप इज द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक मैनी स्मॉल प्रिजम्स, and as white sunlight enters and leaves this raindrop or a water drop, the various color rays present in the white light are refracted by the different amount of due to the which an enrich of seven color called rainbow is formed in the sky.
The formation of seven color rainbow in the sky shows that the white sunlight consists of the mixture of seven color of light. ये हमको क्या बताता है कि जो व्हाइट लाइट है सन से जो आती है इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवन कलर. Then atmospheric refraction. So refraction of light caused by the earth atmosphere having air layers of varying optical densities is called as a atmospheric refraction. So refraction की जो definition है हमारे previous chapter के कुछ parts में हम लोगों ने already देखा है कि what exactly the refraction. Refraction कब होता है? जब transparent medium होता है और उसमें से light travel करती है from one medium to another medium. और actual difference क्या होगा कि density का difference होगा कि जब अगर वन की डेंसिटी लेस है और सेकेंड की डेंसिटी ज्यादा है तो इट गेट रिफ्लेक्टेड और थर्ड की डेंसिटी भी लेस होगी तो उसमें से भी लाइट जो होगी क्या होगी रिफ्रैक्ट होगी. तो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस लाइट क्या होगी डिफ्रैक्ट होगी. देन द एयर इज एन अपर एटमोस्फियर इन एन ऑप्टिकल रेयर एंड एज वी कैन डाउन द एयर इज एन लोअर एटमोस्फियर इज एन ऑप्टिकली डेंसर. This arrangement of optical density of air in the atmosphere can however change according to the local conditions such as temperature etc at the particular place. The hotter air is optical rarer but the colder air further up into the optical denser. So when we see the object by the light coming from the throughout and cold air layer having different optical density, then the refraction of the light takes place randomly due to which the object appears to be the moving slightly. This is an example of atmospheric refraction on a small scale. अभी जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे एक सिंगल वाटर ड्रॉप की जिसमें से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई और हमको एक रेनबो कलरफुल रेनबो का फॉर्मेशन हुआ. अब जब वाटर ड्रॉप्स नहीं है तब क्या होगा राइट. तो जो हमारा अर्थ है वो नंबर ऑफ एयर्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल बोलो मॉइस्चर बोलो या फिर गैसेस का कॉम्बिनेशन है डस्ट पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है. तो जब सन से लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है तब तक के नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन वहां पे होता है बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन बिटवीन द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अवर अर्थ सरफेस. सो किस तरीके से एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है या फिर जो उसमें का डेंसर मीडियम है वो किस तरीके से, तो ये बताया गया है कि अर्थ का जो नियरर पार्ट होगा जो हमारे नियरर पार्ट होगा वो ज्यादा डेंसर होगा और जैसे जैसे मूव करेंगे हम अपर पार्ट में वो लेस डेंसर होगा. तो इसमें मैं अभी आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी. और जो यहाँ पे मैं आपको सेकेंड जो लोकल कंडीशन की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्लेस में जो है हर एक प्लेस का टेम्परेचर अलग होता है. जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल में हम लोग देख लेते हैं अंटार्कटिका में तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही जीरो बिलो द जीरो डिग्री सेल्सियस रहता है. बट हम लोग हमारे इंडिया में आते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज होते रहता है. तो अप टू द 30 to 35 का जो टेम्परेचर है हमारे सराउंडिंग का होता है. तो ये जो है उसके पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से लोकल कंडीशन के हिसाब से कि वहाँ पे किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है लेस डेंसर है या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवियर डेंसर है. जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसर मीडियम का एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे कोल्ड होगा और जहाँ पे लेस डेंसर होगा वहाँ पे हॉटर होगा. तो यहाँ पे हम लोग यही बताने की कोशिश कर रहे थे. बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है अब हम लोग थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल का कंसिडरेशन करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम डे टू डे लाइफ की भी बात नहीं कर रहे हम लोग जो डेली देखते हैं उसी का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इज द नेचर विच अकर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. जो हमारे सराउंडिंग में या फिर हमारे नेचर से ही वो रिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी करते हैं डेली देखते हैं लेकिन हम लोग कभी उसको कंसिडर नहीं करते. सो उसी का हम लोग कंसिडरेशन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे. देन हम लोग एक नाइट का फॉर्मेशन देख लेते हैं कि नाइट में हम लोग देखते हैं कि ट्विंकल्स ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ लाइट राइट. तो हमारे जो स्टार्स होते हैं वो चमकते हैं हमको चमकते हुए दिखते हैं. वो किस वजह से दिखते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है हमारे रिफ्रैक्शन का ही कि जब सनलाइट इंस पे इंसिडेंट होती है स्टार्स पे इंसिडेंट होती है और
वो हमारे आंखों तक आती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो हमको दिखाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, जो चमकता हुआ हमको दिखता है, राइट? एंड देन इसी को ही हम लोग आगे स्टडी करेंगे, कि स्टडी इन द सेंस समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली. अभी जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ वही हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, सेंटेंस होंगे और पॉइंट फॉर्म में होंगे. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. सो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स लाइट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो हमको क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमको दिखाई देता है. द कंटिन्यूअसली चेंजिंग ऑफ एटमोस्फियर रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ मूवमेंट टू द नेक्स्ट. जो स्टार्स का मूवमेंट होता है वन टू अनादर्स, इसकी वजह से भी हमको जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, ट्विंकलिंग है, वो हमको दिखाई देता है. When the atmosphere refracts more starlight towards us, the stars appears to be the bright, and when the atmosphere refracts less starlight, then the star appears to be a dim. In this way, the starlight reaching our eyes increase and decrease the continuously due to the atmospheric refraction, and the stars appear to the twinkling at the night. वो क्यों होता है? When the atmosphere refracts more starlight, कि जब वो ज्यादा से ज्यादा लाइट का रिफ्रैक्शन देगा, सो क्या होगा कि वो एकदम ब्राइट इन नेचर में दिखेगा, और जब वो लेस अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन देगा तो वो क्या देगा, हमको लेस ब्राइटनेस देगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, लेस ब्राइट और ब्राइटर और लेस ब्राइट, तो उससे क्या होगा कि हमको ट्विंकलिंग दिखेगा, वो चमकता हुआ दिखेगा. तो यही उसके पीछे का एक रीजन है कि वो कंटिन्यूअसली हमको क्या दिखता है, चमकता हुआ दिखता है. We know that though stars twinkle at the night, but planet do not twinkle at all. Stars ही twinkles होते हैं, star ही हमको चमकता हुआ दिखता है, but जो planets होते हैं वो हमको चमकते हुए नहीं दिखते. क्यों? क्योंकि उसमें से जो है light reflect नहीं होती, उसमें completely absorb हो जाती है. तो हमको night के time पे जो planets होते हैं वो बिल्कुल दिखते तो है ही नहीं, और वो चमकते हुए भी नहीं दिखते, because उसमें से light क्या है, travel नहीं होती, refract नहीं होती. रिफ्रैक्शन का बेसिक फिनोमिना है ट्रैवलिंग ऑफ लाइट थ्रू द मीडिया. मीडियम में से जब तक के लाइट ट्रैवल नहीं होगी, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी. द स्टार्स अपीयर वेरी वेरी स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार ऑफ. वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से हमको वो बहुत छोटे दिखते हैं. सो द स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमोस्फियर इज एबल टू द कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट साइज star due to the refraction, because of which the stars appears to be the twinkling. On the another hand, the planets appear to be the quite big to us because they are much nearer to the earth. Jo planets hai wo bahut hi zyada nearer hai. So a planet can be considered to be the collection of very large number of point source of light. The dimming effect produced by the sum of the point source of the light in one part to the planet is nullified by the brighter effect produced by the point source of the light. It parts another parts. Thus, one of the whole, the brightness of the planets always remain the same, and hence it does not appear to the twinkles. We can now say that the continuously changing of atmospheres is unable to cause variation in the light coming from the big size planet due to the refraction, because of which the planet does not twinkle at all. Exactly reason क्या है planet का, कि वो क्यों नहीं twinkle होते at a night, because वो बहुत ही ज्यादा nearer है to the earth planet, हमारे earth से वो बहुत ही ज्यादा नियरर है, और वो बहुत ही ज्यादा पास होने की वजह से उसमें जो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारे आंखों तक के पहुंच ही नहीं रही है. वो क्या हो रही है, अनादर एंगल से रिफ्लेक्ट होके कहीं और चली जा रही है. सो यही एक रीजन है कि वो हमको नाइट के टाइम पे ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते. बट जो स्टार्स है वो बहुत दूर होने की वजह से, बिकॉज हमने रेंज ऑफ हमारी आई का जो रेंज है वो देखा था इन्फिनिटी तक के, हम इन्फिनिटी की रेंज तक के हम लोग देख सकते हैं. तो जो स्टार है वो बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से उसमें से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हमारे अर्थ तक, हमारे आय तक के इंसिडेंट हो रहा है. दैट्स वाई हम उसको देख पा रहे हैं, उसका ट्विंकलिंग नेचर जो है वो हम देख पा रहे हैं, बट हमारे प्लैनेट का हम लोग नहीं देख पा रहे, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नियरर है हमारे अर्थ से.
स्टार सिम टू द हाइयर देन दे आर एक्चुअली आर. एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली पोजिशन ऑफ द स्टार, बिकॉज रिफ्रैक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लाइट क्या होती है हमारी, रिफ्रैक्ट होती है, देन उसकी पोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हमने जब रिफ्रैक्शन की स्टडी किए थे उसी टाइम पे हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल लिया था हमने कि एक वेसल लिया था, सिलेंड्रिकल वेसल, उसमें वाटर लिया था एंड देन उसमें पेंट का इंसर्ट किया था. और हमने डे टाइम पे देखा था कि जब पानी के अंदर में जो रिफ्रैक्शन था, पोजीशन थी पेन की, वो समवॉट डिस्प्लेस थी. पोजीशन क्या थी, डिस्प्लेस हो गई थी. और हमारा जो एटमॉस्फेरिक पेन की पोजीशन थी वो अलग ही पोजीशन दिखा रही थी. और उसी को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था, रिफ्रैक्शन को, वर्ड को डिफाइन किया था कि लाइट क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है, उसकी डिस्प्लेस हो रही है. सो हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट होता है. तो हम लोग नाइट का कंसिडरेशन कर रहे हैं, हम लोग उसमें क्या देखेंगे, स्टार का पोजीशन देखेंगे. अब जब हम लोग नाइट की बात कर रहे हैं तो मून तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक मून नहीं होंगे हमको स्टार्स भी नहीं दिखाई देंगे. हम हमारे डे टू डे लाइफ में जब मून के बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब मून स्मॉल होता है एंड देन स्लोली स्लोली डे टू डे वो ग्रो होता है, तब आप उसमें देखेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो स्टार्स होते हैं, जब फुल मून डे होता है उसमें बहुत सारे स्टार्स हमको दिखते हैं, जब हाफ मून डे होता है तब हमको लेस अमाउंट ऑफ स्टार्स दिखते हैं, और जब कंप्लीट मून नहीं होता है तो हमको स्टार्स भी नहीं दिखाई देते. तो ये एक ज्योग्राफी से रिलेटेड था. पर्टिकुलर का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो ज्योग्राफी के टीचर्स आपको बता देंगे. तो यहाँ पे हम लोग अभी नाइट की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मून होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हमारा मून है. देन स्टार जो हम एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पे एक स्टार की, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये एक एक्चुअल पोजीशन है. और जब हम लोग इसको ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इसकी हमको पोजीशन कहाँ दिखाई देती है ये हम अभी देखेंगे. सो नाइट के टाइम पे हम लोग जब स्टडी करेंगे कि स्टार का ये एक्चुअल पोजीशन है, सो हमारा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, इट मींस कि उसमें एक अनादर मीडियम है, राइट. जब ये स्टार से लाइट इंसिडेंट होंगी, सो यहाँ पे दो जो लाइन में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे मोर डेंसर मीडियम होगा और यहाँ पे लेस डेंसर मीडियम होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइटर गैसेस मटेरियल हो गए, दैट्स व्हाई ये लेस डेंसर है, और यहाँ पे हायर गैसेस मटेरियल या फिर हायर वेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ मोर डेंसर एज कम्पेयर टू दिस एरिया. सो वेन एवर द लाइट कम फ्रॉम द स्टार इंसिडेंट फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, राइट. एंड देन ये हमारा सेकेंड मीडियम, और ये हमारे आई जहाँ यहाँ पे हमारा स्टार का एक्चुअल इंसिडेंट होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी हमारे आई में. जो हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही कि आई के अंदर में स्टार का इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा और उसकी पोजिशन क्या होगी, जो हमको ड्यू टू द रिफ्रैक्शन क्या होगा, समवॉट डिफ्लेक्टेड दिखाई देगा, वो क्यों और कैसे. सो स्टार से अभी इंसिडेंट हुआ फर्स्ट डेंसर मीडियम में, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड देन इंसिडेंट ऑन द सेकेंड डेंसर मीडियम एंड देन अगेन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट ऑन अवर आई, देन आई पे वो इंसिडेंट हुई. देन ये अब जैसे हमने रिफ्रैक्शन में नॉर्मल ड्रॉ किया था यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे बिकॉज हमको स्टडी करना है. देन एक्चुअल स्टडी, अब हम लोग जब आकाश की तरफ देखते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं तो हमको स्ट्रेट दिखता है, इस तरीके से तो मूवमेंट नहीं दिखती है, हमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है. और हमको स्टार की पोजीशन कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे, जस्ट समवॉट डिस्प्लेस द पोजीशन, डिस्प्लेस पोजीशन में. एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की, बट हमको यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि हम लोग स्ट्रेट देखते हैं और हमको स्ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा जो कहाँ से आ रहा है, हमारे स्टार्स से आ रहा है, और उसकी पोजीशन क्या हो जाएंगी, हमको डिफरेंट दिखेगी, सिर्फ ये जो है हमारा पोजीशन डिफरेंट दिखेगा. तो हर एक स्टार का पोजीशन हमको ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अलग सा दिखाई देता है. यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हमारे डे टू डे लाइफ का सनराइज और सनसेट का. सो सनराइज और सनसेट की बात कर रहे तो सन होना बहुत जरूरी है, और सन जो है हमारा वो हमारे सोलर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अवर सन. और ये
स्टार ही कहते हैं हम सन को भी, बिकॉज ये चमकता है, जलता है और एनर्जी देता है. एक लाइट जो है, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, वो है सन. सो सन एक सोलर सिस्टम में, सन जो है सेंटर में होता है, देन जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसके अराउंड राउंड राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं, एंड अर्थ जो है वो खुद के अराउंड भी घूमते रहता है. सो अर्थ खुद के अराउंड भी घूम रहा है, एंड देन हम लोग हॉरिजेंटल यहाँ पे कंसिडर करने वाले. तो सपोज हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से राउंड कर रहा है, तो जो हमें सनसेट और सनराइज मिलेगा, तो सनराइज हमारा इस डायरेक्शन में होगा और सनसेट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, राइट. तो अभी हमको ये देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि देखने के लिए हमको आंखें चाहिए, और आंखें हम इंसानों के पास है, एनिमल्स के पास है. तो यहाँ पे हम लोग एक इंसान को खड़ा कर देते हैं जो यहाँ पे स्टडी करने वाला है सनराइज और सनसेट की. तो यहाँ पे एक होरिजन ले लेते हैं हम लोग. ये जो है हमारा होरिजन है, ये हमारे सन की पोजिशन है और ये हमारी खुद की पोजिशन है, और हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमको रिफ्रैक्शन से क्या पता चल रहा है. सो अब रिफ्रैक्शन होगा तो एटमॉस्फियर होना चाहिए, ये हमारा एटमॉस्फियर है, राइट. अब जब इसमें से सन में से लाइट इंसिडेंट होती है हमारे एटमॉस्फियर पे, यहाँ पे हम लोग सिंगल एटमॉस्फियर की बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लेसर डेंसर की बात नहीं कर रहे, बहुत दूर और बहुत ही ज्यादा दूर का डिस्टेंस है ये सन और अर्थ के बीच में. सो डायरेक्टली हमने टू रेज जो है यहाँ पे फॉर्म में दिखाया है, टू रेज को यहाँ पे इंसिडेंट ऑन दैट हमारा एक पर्टिकुलर किसमें एटमॉस्फेयर पे इंसिडेंट होते हुए अब ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा. सो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल जो हमने एज यूजुअल किया हुआ है रिफ्रैक्शन में, कि एक सरफेस पे जब यहाँ पे अब एक देख लीजिए कि यहाँ पे एक लेंस फॉर्मेशन है, सर्कुलर फॉर्मेशन है, कर्वेचर है. तो एक कर्वेचर पे जब भी इंसिडेंट होगी तो इट कैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लाइक, हमको इस तरीके से दिखेगा, राइट. तो पोजीशन क्या दिख रही है हमको यहाँ पे सन की, हमको सन की पोजीशन अब यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन की पोजीशन तो यहाँ है, बट हमको रिफ्रैक्शन की वजह से क्या दिख रहा है, सन की पोजीशन यहाँ दिख रही है, राइट. तो यही एक रीजन होता है कि जब सनराइज होता है तब हमको क्या दिखता है कि बिफोर टू मिनट्स, जो हमको सनराइज है बिफोर टू मिनट्स, बट वो बिफोर टू मिनट्स नहीं होता, वो एग्जैक्टली उसी पोजिशन, क्योंकि सन की पोजिशन तो चेंज नहीं हो रही है, हमारी अर्थ की पोजिशन चेंज हो रही है, बिकॉज हमारी पोजिशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ अर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में राउंडेड फॉर्म में जाएगा, मतलब वो खुद के ही सर्कुलर मोशन में रहता है. देन इस पोजिशन में सर्कुलर मोशन होने की वजह से हमको जो सनराइज है वो इस डायरेक्शन में दिखता है कि सनराइज ऐसे हो रहा है, एंड देन सन की पोजिशन क्या दिखती है हमको, यहाँ पे दिखाई देती है, और वो टू मिनट्स बिफोर दिखता है. क्यों? ड्यू टू द एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन. अब जो मैंने आपको दो स्लाइड में समझाने की कोशिश की है वही मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करवाऊंगी. सो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, वो जो मैं यहाँ पे एडवांस सनराइज की बात कर रही थी और डिले सनसेट क्यों होता है वो यही बताने की कोशिश कर रही थी, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो समटाइम्स द रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज टेंड टू ब्रिंग इन टू व्यू द ऑब्जेक्ट विच आर एक्चुअली बिलो द होरिजिन. जो होरिजिन हमने ड्रॉ किया था, राइट, उसी के बिलो में रहता है, बट वो हमको पोजिशन क्या दिखाता है, अपर पोजिशन में, और वही रिस्पॉन्सिबल है जो हमको बताता है कि टू मिनट्स बिफोर सनराइज हो चुका है. दिस हैपन्स इन दिस केस ऑफ सन जस्ट बिफोर द सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट, और इसी जस्ट आफ्टर द सनसेट में भी यही रीजन होता है. दस वी कैन सी द सन अबाउट टू मिनट्स बिफोर एक्चुअल द सनराइज एंड टू मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल द सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. लेट अस टेक द केस ऑफ सनराइज. अब हम लोग पहले सनराइज का केस लिख लेते हैं. द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट अबव द होरिजन, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट कॉज बाय द एटमॉस्फेयर वी कैन सी द राइजिंग सन अबाउट टू मिनट बिफोर इट इज एक्चुअली अबव द होरिजन. द हैपन्स एज फॉलोज, व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन देन द सन्स लाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंसर एरिया एयर to more denser air is refracted downward as it passes through the atmosphere. Because of this atmospheric refraction, the sun appears to be the raised above the horizon when actually it is slightly below the horizon.
It is also due to the atmospheric refraction that we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has sunset below the horizon. From the above discussion, we conclude that we can see the sun 2 minutes before actual the sunrise time after for 2 minutes after actual the sunset time, so that the time from sunrise to sunset is length denoted by the about 2 plus 2, 4 minutes because of the atmospheric refraction. It means that ki delay ho ja raha hai hamara sunrise or sunset. Jo sunrise hai humko before dikh raha hai 2 minutes before aur jo sunset hai wo humko 2 minutes pehle hi dikhai de raha hai ki bhi sunset to ho raha hai but wo ho chuka hai but humko phir bhi sun humko dikhai deta hai because of the atmospheric refraction. That's why jo hamara lengthened hai jo sunset ka jo hai time increase ho ja raha hai 2 plus 2 4 minutes जो हमको ज्यादा टाइम तक के सन हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है जो लाइट दिखाई देती है. Thus the day would have been shorter by about 4 minutes. हमको डे जो है वो कैसे दिखता है shorter times हो जाता है 4 minutes if the earth had no atmosphere. अगर अर्थ के पास में अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो सन अपीयर्स द फ्लैटेंड और ओवल एट द सनराइज एंड द सनसेट. द अपेरेंट फ्लैटिंग ऑफ द सन डिस्क एट द सनराइज एंड द सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वी विल स्टडी दिस दैट डिटेल इन हायर क्लासेस. जो एक्चुअल हमको सर्कुलर दिखता है या फिर सन हमको फ्लैट क्यों नहीं दिखता सर्कुलर दिखता है ये हमारे हायर क्लासेस में देखेंगे. बट एक्चुअली हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो दिन है वो शॉर्टर हो जाता है 4 मिनट से. क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है कि एक्चुअली डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स व्हाट? क्या तो हम कुछ इमेज देख लेते हैं कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन द पाथ इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट. ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पे पॉज करती हूँ बट एग्जैक्टली स्कैटरिंग क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ. जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है हम यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं कि एक सिंगल बल्ब है जिसमें से होल किया हुआ है या फिर कलर उसके ऊपर कलर की जो प्लेट्स है वो लगी हुई है और उसमें से जो लाइट है वो कमिंग आउट हो रही है. राइट तो ये जो कमिंग आउट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में. कलर्स के फॉर्म में क्यों है? बिकॉज उसके सामने वो कलर की प्लेट रखी हुई है तो उसी में से वो कलर्स की जो लाइट है वो निकल रही है रिफ्लेक्ट हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स. अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंस है हमारे एटमोसफियर में और उसमें से जो लाइट हमको ट्रेवल होते हुए दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सेकेंड एग्जाम्पल हम अभी इसमें जो नहीं समझा है मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ. सो जब ये सनसेट का टाइम है अब यहाँ पे जो एटमोसफियर है राइट यहाँ से हमको कुछ लाइट इस तरीके से दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल प्रेजेंट इन अवर एटमोसफियर. चाहे वो वाटर ड्रॉप्स भी हो सकते हैं चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं फाइन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं पाउडर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंस होते हैं और उसी में से जो ट्रैवल करती है लाइट वो होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं हो रहा है यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है. हमारी व्हाइट लाइट एज इट इज व्हाइट लाइट है बट वो हमको ट्रैवल होते हुए दिख रही है एक पर्टिकुलर मीडियम में से दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. देन ये एग्जाम्पल्स हम लोग फोटोज में देख रहे हैं. ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे सन है एंड देन यहाँ से वो स्कैटर्ड होती हुई दिख रही है फैलती हुई दिख रही है. ये भी फैलना ही होता है बट डिस्पर्जन में क्या हो रहा है कि हमको 7 कलर्स जो है वो उसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं बट इसमें से कोई कलर्स नहीं दिख रहे इसमें से एग्जैक्टली व्हाइट लाइट ही है बट ये थोड़ी और फैली हुई दिख रही है. दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन द पाथ ऑफ लाइट एंड दैट टेंडेंसी ऑफ इट दैट इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट. जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ड्यू टू द पार्टिकल इन द पाथ ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट जो लाइट के पाथ में रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं. लेट अस टेक द एक्टिविटी जो आपके ऑलरेडी सिलेबस में दी हुई है उसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं. तो एग्जैक्टली हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट की स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से स्कैटर्ड होती है लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में से. बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां पर कोई कलर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा बट जो लाइट है वो फैल रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन द
ट्रेवलिंग ऑफ मीडियम ऑफ द लाइट, मतलब जो मीडियम है ट्रेवल कर रही है लाइट में से, उस पाथ में पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उसी की वजह से क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, फैल रही है. सो एक एक्टिविटी के हम लोग इसमें स्टडी कर लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ द लाइट. एक सोर्स ऑफ लाइट हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, जो हमारा होगा टॉर्च, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एस. देन द लाइट इज पासिस थ्रू द कन्वर्जिंग लेंस दैट विल एल वन, जो हमको पैरेलल लाइन जो है वो अलाउ करके देगी, जो भी लाइट रहेगी उसको पैरेलल में कन्वर्ट करके देंगी. देन इट विल पास थ्रू द क्लियर सोल्यूशन, दैट क्लियर सोल्यूशन डिनोटेड एज अ टी. एंड देन दैट लाइट इज पासिस थ्रू द अगेन कन्वर्जिंग लेंस एंड इंसिडेंट ऑन द प्लेन सर्फेस दैट इज एम एन. तो हमारा एल टू के थ्रू जो लेंस है उसमें से ही एल टू उसमें से पास होगा और इंसिडेंट होगा एम एन पे. द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल, जो बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आएगा. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे, कोलाइडल सोल्यूशन, और उसमें 3 to 4 ml का कॉन्सेंट्रेटिक एसिड जो है वहां पे ऐड करेंगे. देन हम उसमें क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, एग्जैक्टली हमको क्या पता चलने वाला है वो हम लोग देखते हैं. सेम जो हमने अभी किया था उसी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, T2 कोलाइडल सॉल्यूशन का प्लेस कर देंगे. देन आफ्टर सम टाइम हम लोगों को क्या पता चलेगा कि जो माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल है वो टॉप में फॉर्मेशन होगा और जो कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू कलर फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो लाइट कम हो रही मिल रही है हमको, वो क्या हो जाएगी, रेड कलर की हमको लाइट इसमें से निकलती हुई मिलेगी और MN सरफेस पे वो इंसिडेंट होके मिलेगी रेड कलर के फॉर्म में. द डिफरेंट कलर इन द टैंक आर विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द माइन्यूट कोलाइडल सरफेस पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो लेट अस स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज टिंडल इफेक्ट. सो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द एटमोस्फियर. सो कहाँ कहाँ हमको दिखाई देता है, फर्स्ट वन इज अ व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू द एटमोस्फियरिक कंडीशन और एटमोस्फियरिक पार्टिकल. सो एटमोस्फियर कंटेन्स स्मोक पार्टिकल, वॉटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल एंड एज वेल एज एयर मॉलिक्यूल्स. सो इसी की वजह से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. एंड जब भी सन में से लाइट इस पे इंसिडेंट होता है एंड इट गेट कंबाइंड टूगेदर एंड द पार्टिकल स्कैटर्ड अ पर्टिकुलर कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट एंड द कलर ऑफ द लाइट दैट गेट स्कैटर्ड इन द कलर ऑफ द लाइट वी सी, जो हमको दिखाई देता है. सो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग क्लाउड्स का. सो क्लाउड्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आइस मॉलिक्यूल, जो बहुत ही ज्यादा डेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो ऑल द 7 कलर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द क्लाउड्स एंड देन इट्स कंबाइंड टूगेदर एंड फॉर्म अ व्हाइट कलर ऑफ लाइट ड्यू टू द डेंसर पार्टिकल्स. एंड वही लाइट कलर की जो व्हाइट कलर की जो लाइट होती है वो हमको दिखाई देती है हमारे आंखों से. सो नेक्स्ट वन इज अ ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है. सो जब लाइट होती है सन में से वो इंसिडेंट करती है हमारे एटमोस्फियर पे, तो स्मॉल साइज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज अ ब्लू कलर. जो ब्लू कलर की जो शॉर्ट लेंथ होती है वेवलेंथ की, वो स्कैटर्ड होती है ड्यू टू द लेस डेंसर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. और हमको इसी वजह से हमारा स्काई है वो ब्लू कलर से दिखाई देता है और स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आईज ड्यू टू विच वी सी द स्काई एज अ ब्लू. अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडनिंग ऑफ सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर की. सो जब सनसेट और सनराइज होता है उस टाइम पे जो सन होता है वो हमारे होराइजन में प्रेजेंट होता है, अर्थ के होराइजन में. सो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हाइयर वेवलेंथ होता है, जिसका बहुत ज्यादा वेवलेंथ होता है, वो अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो सन है वो होरिजन में होने की वजह से. सो रेड कलर की जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड होती है. एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द लाइट दैट रीचेस अवर आईज इज द लॉन्गर वेवलेंथ, राइट, दैट इज द रेड एंड द सन अपियर्स द रेडिश. सो अगर हमारे सराउंडेड में, अर्थ सराउंडेड में नो एटमोस्फियर इज देयर, तो देयर वुड बी द नो एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो एटमोस्फियर लुक लाइक अ डार्क इन कलर. सो लेट अस रिकैप.
So the path of light becomes clearly visible due to the scattering of light by the colloidal particle present in the path. The phenomenon of scattering of light, the colloidal particle, is known as the Tyndall effect. The Tyndall effect can explain some wonderful phenomena of nature, such as white color of clouds, blue color of sky, reddening of sunset, sunrise and sunset. When the sunlight strike the multiple particles present in the atmosphere, it gets scattered by the particle. The particle scattered a particular color of sunlight that we see. The color of scattered light also depend on the size of particle. Smaller particles scatter the lights of smaller wavelength, that is blue light, whereas the larger particles scatter lights of all the colors of equally. So here we completed the complete chapter 11, that Here we completed the chapter The Human Eye and the Colorful World, जिसमें हमने structure of eye, defect of eye ये study किया है. Then हमने ये भी study किया है कि किस तरीके से image formation होती है हमारे brain में और किस तरीके से pass होती है. Then हमने इस part में, third part में, scattering of light, rainbow formation, refraction of light और वो हमको किस तरीके से दिखाई देता है वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है. सो आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज या सजेशन होंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. और साथ ही साथ में आप सेफ रहिए, बिकॉज कोरोना चल रहा है, COVID-19 चल रहा है. ड्यूरिंग दिस सीजन आप आपके घर में सेफ रहिए और हमारे लेक्चर्स इसी तरीके से सुनते रहिए. बिफोर स्टॉपिंग दिस लेक्चर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए.